हिंगनघाट शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते जनता कर्फ्यू 25 अक्टूबर से शुरू हुआ, तब आज गुरुवार को जनता कर्फ्यू समाप्त होने के बाद मार्केट में भीड़ देखी गई और फिर से मार्केट में लोग कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाते खरीदारी करते दिखे। प्रशासन की ओर से, नगरपालिका पुलिस विभाग की ओर से कोरोना संक्रमण के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। उसमें व्यापारी, लोगों पे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ग्राहक की हो रही भीड़, इसके लिए जुर्माने के रूप में 200 रुपयों का चालान किया जा रहा था। दोबारा अगर फिर से व्यापारियों ने नियमों की धज्जियां उड़ाई है तो दुकानों को कुछ दिनों के लिए सील करने की ताकीद दी गई है। उसके साथ ही जनता कर्फ्यू का विदर्भवादी नेता अनिल जवादी, इन्होंने विरोध कर हिंगनघाट बचाव समिति को भविष्य में कोरोना संक्रमण के रहते जनता के हित को देखते हुए एक कोविड अस्पताल हिंगनघाट शहर के लिए आवश्यक होने की बात कही। उसके लिए स्थानिक विधायक और हिंगनघाट बचाव समिति ने कोशिश करने की बात कही। तब जनता कर्फ्यू समाप्त होने के बाद शहर में कोरोना संक्रमण कितने आंकड़ों में कम होता है यह देखना होगा। फिलहाल शहर में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में अभी तक कोई कमी नहीं आई। कोरोना संक्रमण के रहते जनता को ही अपनी सुरक्षा करनी है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, आवश्यक काम रहते ही बाहर निकलना, अपने हाथ बार बार साबुन से या सैनिटाइजर से साफ करना, यही उपाय करना होगा, तभी कुछ संक्रमण में कमी आएगी। आपल्या हिंगनघाट शहरात कोविड 19 हिंगनघाट बचाव समितीच्या माध्यमातून दिनांक 25 सप्टेंबर ते 1 ऑक्टोबर पर्यंत जनता कर्फ्यू व्यापारी असोसिएशनच्या विनंतीनुसार सुरू आहे। आज 30 तारीख, पांचवा दिवस, आणि आज जे काही 40-50% दुकाने उघडलेली होती बाजारातली, तर ती दुकाने बंद करण्यासाठी व्यापारी समिती आणि काही उत्साही कार्यकर्ते हे व्यापाऱ्यांना दुकान का उघडली म्हणून विचारणा करून राहिले आहेत। आणि तुम्ही दुकान उघडलं तर तुमच्यावर नगरपालिकेचे 2 कर्मचारी सोबत घेऊन त्यांच्यावर दंड बसवण्याची, कुठल्या नियमात ते आपल्याला दंड बसवता येते त्या अनुषंगानं त्यांना सोबत घेऊन पूर्ण व्यापारी लोकांवर एक प्रकारे दहशत निर्माण करण्याचा हा कार्यक्रम, ही पद्धत अनुसरली आहे असं मला लक्षात येत आहे। NBC News के लिए हिंगनघाट से रवि एनरकर की रिपोर्ट।